डायनथस का पौधा सभी का फेवरेट है और बहुत सारे लोग इसको घर पे उगाना पसंद करते हैं। इसके पीछे दो कारण हैं, एक तो ये बहुत ही हार्डी प्लांट है और दूसरा ये गर्मियों में भी बिल्कुल भी सूखता नहीं है, बहुत ही अच्छी तरह से हरा रहता है। आज दोस्तों हम इसकी प्रोपेगेशन के बारे में बात करेंगे, हम कैसे इसको कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। कटिंग से ग्रो करना इसको बहुत ही आसान है, उसमें दो चार चीज़ें आपको जिस चीज़ों का ध्यान रखना है आपको इस वीडियो में पता चलेगा। जो डायनथस का पौधा है दोस्तों, अभी भी आप देख सकते हो मेरे यहाँ पर बहुत सुंदर जो फूल दे रहा है और इसमें ये डबल वैरायटी है जो मेरे पास है। मैं इसको 10 या 20 दिन बाद DAP देता था, पर अभी मैंने वो भी स्टॉप कर दी है क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है। सिर्फ ये पानी के साथ ही ये पौधा इतनी बढ़िया ग्रोथ कर रहा है। और जो डायनथस का पौधा है इसमें आपको रेगुलर डेड हेडिंग ज़रूर करनी चाहिए। डेड हेडिंग वो होती है दोस्तों जिसमें हम इसके पुराने फूल काटते रहते हैं, जिसके साथ जो इसकी फ्रेशनेस है वो मेंटेन रहे। चलिए हम अभी कटिंग्स ले लेते हैं, कैसे हमें कटिंग्स लेनी चाहिए। मेरे पास ये कुछ और पौधे थे जो मैंने 10-11 पौधे इस क्रेट में लगा दिए थे जिसमें ये बहुत अच्छे से ग्रो करे हैं। और इनमें जो हरी हरी नई नई जो ब्रांच निकल रही हैं, जो जिसपे कोई भी बर्ड नहीं है, वो सबसे ज़्यादा बेहतर रहती है कटिंग लेने के लिए। कभी भी वो ब्रांच मत लें जिसने आपको सर्दियों में फूल दिया हो, क्योंकि उसके रूटिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। जो नए नए जो ब्रांचेस होती हैं, जो इतनी ज़्यादा नीचे से वुडन नहीं होती हैं, वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती हैं, उनमें रूटिंग जल्दी से आ जाती है और वो जल्दी से आपको एज ए इंडिविजुअल प्लांट बनाकर देती है। हम दोस्तों कोई भी मंथ में इसकी कटिंग लगा सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है। आप कैसे सक्सेसफुल करेंगे उसके लिए मैं एक छोटा सा एक आपको तरीका बताऊंगा जो मैंने अपने गार्डन में किया हुआ है, जिसके साथ आपकी 90% कटिंग्स हैं वो सक्सेसफुल रहेंगी। चलिए हमने अभी सभी कटिंग्स ले ली हैं जितनी हमें लेनी थी और अब हम इसको लगा कर दिखाते हैं। दोस्तों कटिंग लगाने के लिए हम तीन मेथड अपना सकते हैं। पहला है हम एज इट इज़ जैसे कटिंग्स लिए हैं उसको सॉइल में लगा सकते हैं, और दूसरा अगर आपके पास रूटिंग हार्मोन है बेस्ट है आप वो ले सकते हैं, और तीसरा अगर आप मेरे जैसे आपके पास ना कोई रूटिंग हार्मोन है, आप अच्छा सक्सेस चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, आपके पास एलोवेरा लीफ होता है, जो एलोवेरा की जेल होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी रूटिंग हार्मोन एक कहलाती है, क्योंकि उसमें सभी जो चीज़ें पाई जाती हैं जो रूटिंग हार्मोन में हम ऐड करते हैं। इसलिए अगर आप इसके साथ अपनी कटिंग्स को लगाओगे तो आपके पौधे पे जो रूटिंग है वो जल्दी स्टार्ट होगी, ना ही आपके पौधे की जो नई जड़ें बनेंगी या आपके पौधे की जो नीचे वाला पार्ट होगा स्टेम का उसको कीड़े लगेंगे। इसीलिए आप देख सकते हो मेरे पास एलोवेरा के काफ़ी सारे पौधे हैं, इसी वजह से मैंने ज़्यादा लगाए हुए हैं, जिसके साथ हमें हेल्प हो जाती है। इसमें आपको कटिंग्स को डिप करना है, आप एक एक कटिंग को डिप करके इसमें लगा सकते हैं। अगर आपके पास ये एलोवेरा जेल भी नहीं है या फिर आपके पास पौधा ही नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, जो आपके पास हल्दी पाउडर होता है जो हमारे किचन में रोज़ इस्तेमाल होता है, आप उसको लेकर आ सकते हैं और उसमें कटिंग्स को डिप कर सकते हो। यहाँ पे आप देखें दोस्तों जो नीचे वाले पत्ते हैं मैंने सभी निकाल लिए हैं, जिसके साथ जो आपके पौधे में फंगस के चांसेस और ज़्यादा कम हो जाएंगे। और नीचे वाले पत्तों की वैसे हमें ज़्यादा खास कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ती, क्योंकि पौधे को ऊपर वाली जो ग्रोथ है वो ज़्यादा बेहतरीन चाहिए होती है। अभी आप देख सकते हो हमारे पास जो मिट्टी है अभी सूखी है, मिट्टी को पहले पानी डालना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो जब आप कटिंग लगाने जाओगे तो आपकी कटिंग मिट्टी में अच्छे से टिकेगी नहीं, और अगर आप उसके बाद पानी डालते हो तो कटिंग बाहर आ जाती है। इसीलिए अभी आप देखें हमने कटिंग लगाने से पहले मिट्टी को मॉइस्ट कर लिया था और उसके बाद एलोवेरा जेल में डिप करके हमने लगा दिया है और बहुत अच्छे से कटिंग बीच में टिक गई है। आपको सभी कटिंग्स ऐसे लाइन वाइज लगाते जाना है और ज़्यादा से ज़्यादा आपको 10 या 12 कटिंग 5 इंची के गमले में लगानी चाहिए। अगर आप ज़्यादा लगा दोगे तो उसमें एयर सर्कुलेशन अच्छे से नहीं हो पाता, जिसके कारण आपके पौधों में जाले लगने शुरू हो जाते हैं और जिसके कारण कटिंग का जो सक्सेस रेट है वो बहुत कम हो जाता है और आपकी कटिंग्स ना के बराबर ग्रोथ करती हैं। इसलिए आप देखें आपको इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 12 कटिंग लगानी चाहिए और बहुत ही अच्छे डिस्टेंस पर लगानी चाहिए, जिसके साथ इनके ज़्यादा पत्ते टच एक दूसरे से ना हो। मुझे ये भी दोस्तों काफ़ी बार पूछा गया कमेंट सेक्शन में कि हम जो डायनथस के बीज हैं हम मई जून के महीने में लगा सकते हैं, इसका आंसर है बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अभी जो हमारे यहाँ पे टेम्परेचर है वो ज़्यादा से ज़्यादा 45 डिग्री तक जा रहा है और जो डायनथस के बीज के लिए फेवरेबल टेम्परेचर होता है वो 25 से 30 डिग्री सेल्सियस होता है, इसलिए बिल्कुल उल्टा टेम्परेचर चल रहा है। अभी आपको कोई भी जो बीज है लगाने नहीं चाहिए, और अभी आप देख सकते हो हमने कटिंग तो लगा दी है और इसमें हम थोड़ा सा फंजीसाइड पाउडर है, जैसे आप 1 ग्राम
लीटर में डिल्यूट करके अपने पौधों में डाल सकते हैं। जैसे हम फंगस के लिए डालते हैं कि हमारे पौधों में फंगस जल्दी से ना लगे, उसी तरह हम कटिंग में भी डाल सकते हैं। पहले से मैंने पानी बहुत ज़्यादा डाला हुआ है, इसलिए मैं इसमें ज़्यादा पानी नहीं डालूंगा, सिर्फ करीब 10 या 15 ml मैंने इसमें जो फंजीसाइड सोल्यूशन है उसको थोड़ा सा डाला है, जिसके साथ कटिंग में प्रॉब्लम्स ना हो। अभी दोस्तों आता है पॉइंट कि हमें इसको कहाँ रखना चाहिए जिसके साथ आपकी कटिंग मुरझाए ना और आपके कटिंग में जल्दी से जल्दी रूटिंग स्टार्ट हो जाए। आप देख सकते हैं मेरे यहाँ पे एक कॉर्नर है जहाँ पे बहुत कम धूप आती है और उसके ऊपर मैंने साइकेट का जो एक पौधा रखा हुआ है जिसको हम सागो पाम भी बोलते हैं, जो इसके दोस्तों पत्ते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं। इसके लिए जब इसके ऊपर धूप आती है वो छनकर नीचे जाती है, एज अ ग्रीन हाउस जैसे हम लगाते हैं वैसे ही इसका इफेक्ट जाता है। इसके लिए मैंने इसके नीचे जो आप देख सकते हो सेंटर में डाइंथस के पौधे रखती हैं, ऐसे ही मैंने दूसरी कटिंग्स भी लगा के रखी हैं जिसका मुझे रिजल्ट बहुत ही बढ़िया यहाँ से मिलता है। ऐसे ही दोस्तों आप भी देख सकते हो अगर आपके पास कोई बड़े पौधे हैं उनको आप उनके नीचे जो पौधे की जो कटिंग है छोटे छोटे गमलों में लगा के रख सकते हैं, जिसके साथ सक्सेस रेट ज़्यादा हो जाता है। और आगे मैंने मनी प्लांट रख दिया जिसके साथ तेज़ धूप आगे से भी नहीं आ सकती, और सुबह शाम आप इसके ऊपर मिस्टिंग करते रहें पानी की, तब भी आपकी कटिंग्स का सक्सेस रेट है वो और ज़्यादा हो सकता है। यही थी दोस्तों वीडियो, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा और मेरी वीडियो को भी शेयर एंड लाइक कीजिएगा। अगर आपका कोई भी क्वेरी है या कमेंट है जिस प्लांट्स के रिगार्डिंग, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, जिसका रिप्लाई मैं आपको जल्दी से जल्दी देने की कोशिश करूँगा। इसी साथ दोस्तों मेरे चैनल के साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कोई भी मैं वीडियो डालता हूँ आपको साथ के साथ अपडेट मिलती रहेगी और आपको नॉलेज और ज़्यादा आपके पौधों के रिगार्डिंग बढ़ेगी। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर दिस वीडियो अमंग योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। थैंक यू।